गाइस यहाँ पर काफी तेज बारिश हो चुकी है, बहुत तेज। अरे भाई हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। तो आज की ब्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं शाम के 3 बजे से, और अभी हम जा रहे हैं फाती देखने के लिए, जो कि जन्माष्टमी के बाद एक त्यौहार होता है गाँव में। तो दिखाता हूँ आपको किस प्रकार होता है। तो चलते हैं, हम अभी मुनियार गांव जा रहे हैं, हम अपने भाई लोग बाकी आगे चले गए। भाई लोग तो सीधे नीचे चले गए, तो हम भी यहाँ से चलते हैं पैदल पैदल। दिखाता हूँ आपको मुनियार गांव। मैंने आपको यहाँ के नज़ारे भी दिखा लिए। अभी रेनबो भी आया था, वो भी गायब हो चुका है क्योंकि धूप लग चुकी है और थोड़ी बारिश भी हुई। तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़े बड़े पत्थर भी हैं इस साइड को, जो कि कब ढूंग के नाम से जाने जाते हैं, मतलब कब पत्थर नाम है उनका। तो अभी चलते हैं भाई लोग, आगे चले गए। ये रहा सामने पाती, जिसमें कि चढ़ा जाता है आदमी के द्वारा। गाइस, जिस पत्थर की मैं बात कर रहा था वो पत्थर ये है, जो कि काफ़ी विशाल है और इसके अंदर भी जा सकते हो आप। एक सुरंग टाइप की है अंदर, मैं तो गया नहीं आज तक, पर लोगों का कहना है। नज़ारा तो काफ़ी खूबसूरत है यहाँ से। Thank you.
बारिश भी होने लगी है। घर पे पूजा हो रही है उसके सीधे दूसरे साइड आ गए क्योंकि हम दूसरे साइड आ चुके हैं क्योंकि वहां से कुछ दिख नहीं रहा था, तो हमें पूरा घूम के आना पड़ा यहाँ से 2 मिनट का रास्ता से ऊपर से पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम के हमें गन्ना ला रहे हैं। बारिश भी होने लगी, पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। उसी समय धूप लग रही, उसी समय बारिश हो रही है। अब तो लग रहा बारिश ही आती है ढंग से। तो गाइस यहाँ पर काफी तेज बारिश हो चुकी है, बहुत तेज। शिवम भाई साहब बॉबी दीदी Oh, my God.
मोटा भाई तो हो चुका है प्रक्रिया पत्ती को लूटने की और इसे अब निकालने लग गए हैं। तो काफी लंबा है, 45 हाथ का बताया जा रहा है इसे, 45 हाथ का। तो इसको गिराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। काफी गहरा खड्डा खोदा जाता है इसके लिए। अरे छग लटका छो तो जो ये पत्ती है इसे काफी ध्यान में रख के निकाला जाता है। ये गिर गया तो काफी नुकसान दे सकता है क्योंकि नीचे खड़े काफी आदमी लोग हैं और ये घर पर आए तो घर को भी उजाड़ सकता है, घर पर भी नुकसान डाल सकता है, घर भी टूट सकता है। और जन हानि ज्यादा हो सकती है क्योंकि एकदम गिरेगा तो किसी के सिर पे या कहीं जा सकता है, चोट का खतरा है। तो काफी ध्यान में रखते हुए इसे निकाला जाता है। तो यहाँ से काफी गांव के नज़ारे दिखते हैं। ये जो नीचे आपको सामने दिख रहा है ये बसोला गांव है, आगे बगड्याल गांव है, ऊपर है कल्याण खाल और साथ ही आगे के पहाड़ दिखते हैं और ये आगे भैसवाड़ा और ऊपर जगत वो क्या बोलते हैं पातोली, मैं जगतपुरी बोल रहा हूँ। झंडी हट घंटे हार दी। निकल पड़े हैं घर की ओर, अभी चढ़ाई चढ़ रहे हैं हम नहरगांव से और शाम के बजने वाले हैं 6:30 हो गए होंगे, टाइम नहीं देखा मैंने।